सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाएंगे नमकीन शक्कर पारे। इसके लिए मैंने लिए मेथी की भाजी बारीक कट करके। ये शक्कर पारा सबको बहुत पसंद आने वाले है, बड़े छोटे सबको पसंद आने वाले है। फ्रेंड आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी नई नई रेसिपी आपको मिलती रहे। फ्रेंड ये मैंने लिया है मैदा, मैदा का मैंने छान लिया है, मैदा में छान के ही लेना है। फ्रेंड इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, कुटा हुआ ब्लैक पेपर डालेंगे, अजवाइन लिया है मैंने वो हम क्रश करके डालेंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर आए। हम ऑयल के लिए घी डालेंगे देसी, आप चाहे तो तेल भी डाल सकते हैं, पर घी से अच्छा रिजल्ट आता है। फ्रेंड अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स हो चुका है हमारा घी और मसाले, और ऐसे मुट्ठी में आना चाहिए फ्रेंड, तभी हमारे शक्कर पारे अच्छे से खस्ता बनेंगे। ये मेथी की भाजी हम डाल देंगे इसमें। जब भी आप नमकीन शक्कर पारा बनाया था फ्रेश भाजी का यूज करें फ्रेंड, इसका स्वाद अच्छा लगता है। हमें पहले अच्छे से मिला लेना है, उसके बाद हमें पानी डाल के इसका अच्छे से डो लगाना है, टाइट डो लगा लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें अच्छे से डो लगा देना है टाइट। ये डो हमारा रेडी है, इसको हमें 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है। 10 मिनट हमारे हो चुके हैं, थोड़ा सा तेल डालेंगे हम। अब हमें डो को अच्छे से मसल लेना है। हम लोहिया तोड़ लेंगे बड़े आकार में, थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। अब हमें रोटी बेलना है। हमारी रोटी बेल के रेडी है, आप देख सकते हैं। इसको हम कट करेंगे, आपको जितने बड़े छोटे आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, मैं मीडियम बनाऊंगी। ये हमारे शक्कर पारे फ्राई करने के लिए रेडी है। ये तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, तेल हमारा ऑलरेडी गरम है, एक एक करके हमें डालना है। पहले हमारा तेल अच्छा गरम होना चाहिए, उसके बाद हमें गैस की फ्लेम हमें स्लो कर देना है ताकि अंदर से हमारे शक्कर पारे कच्चे ना रहे। हमें ये अच्छे से हमारे क्रिस्पी हो चुके हैं, इसको हमें फ्राई करते हुए हमें 7 से 8 मिनट लगे हैं फ्रेंड, मीडियम टू लो गैस पे। इसको हम निकाल लेंगे। ताकि आपका ऑयल निकल जाएगा। दूसरी रोटी पे हम बेल लेंगे। जैसे हम मछली का शेप देते हैं वैसे ही हम शक्कर पारे का दूसरा शेप मछली का ही देंगे फ्रेंड। हम पतला पतला में कट कर लेना है और बीच में हम कट लगा देंगे। हमारी मटेरियल रेडी है फ्रेंड फ्राई करने के लिए, इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। हमारा फ्राई होके रेडी है, इसको हम निकाल लेंगे। इसको ये फ्राई करने में हमें उतना ही समय लगा जितना हमें पहले बीच में लगा था। हमारे फ्राई होके रेडी है और कितने क्रिस्पी बने आपको सुना देती हूँ आवाज, खाने में बहुत ही अमेजिंग बने हैं फ्रेंड। तो आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना, दोस्तों शेयर करना और सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूले।